महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी। अजीत ने एनसीपी पर ठोका दावा। शरद पवार ने ऐसे दिया जवाब, चेहरे पर हंसी और सख्त तेवर। ये एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले हैं। भले ही चेहरे पर नजर आ रहे ये हाव भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हों, लेकिन दिल के दर्द को भी छुपा नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि आप बेशक हमारी बेइज्जती कर लो, लेकिन हमारे बाप की नहीं। ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। महाराष्ट्र में एनसीपी की लड़ाई अब सिंबल तक आ पहुंची है। प्रदेश में शिवसेना 2.0 की जैसी तस्वीर बनती दिख रही है। पहले अजीत पवार एनसीपी छोड़ बीजेपी खेमे में शामिल हुए और फिर एनसीपी पर दावा भी ठोक दिया। खबर है कि अजीत पवार ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए पत्र भेजा है। चुनाव आयोग के समक्ष दायर याचिका में अजीत पवार गुट ने दावा किया है कि 30 जून को मुंबई में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें अजीत पवार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। बुधवार 5 जुलाई को अजीत गुट और शरद पवार गुट ने बैठक बुलाई और शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। शरद पवार ने अजीत के एनसीपी पर दावा करने का जवाब देते हुए कहा कि पार्टी का चुनाव चिन्ह हमारे पास है, वो कहीं नहीं जाएगा। जो लोग और पार्टी कार्यकर्ता हमें सत्ता में लाए, वे हमारे साथ हैं। हम पार्टी का सिंबल किसी को नहीं लेने देंगे। अजीत पवार खोटा सिक्का निकला। वहीं अजीत ने चाचा शरद को राजनीति छोड़ने की सलाह तक दे डाली। सुनिए। गावाला लोकांच्या समोर त्या ठिकाणी विलन केलं जातं कळत नाही। काय माझी चूक आहे? या संदर्भामध्ये या सगळ्या गोष्टी होत असताना आजही माझं ते दैवत आहे, आजही माझं ते श्रद्धास्थान आहे। पण कार्यकर्त्यांनो, महिलांनो, तरुणांनो, तुम्ही सांगा, एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो, आयएसआयपीएस असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात, राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींचं उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते, तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ। पण कुणाकरता चाललं हे, कशा करता चाललं हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? इन सबके बीच शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और कहा कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन मेरे पिता के बारे में मैं नहीं सुन सकती। पापा चाणी आई चा बापती नाद करायचा नाही, बाकी कुणा बदली बोला, कुणा बदली आमच्यावर करा काही करा, पण बापाचा नाद नाही करायचा। बाकी काही ऐकून घेऊ, काहीही ऐकून घेऊ, एक सांगते, एक महिला आहे मी, छोटस बोलला ना तर टचकन डोळ्यात पाणी येतं, पण जेव्हा संघर्षाची वेळ येते तेव्हा पदर खोचून तीच अहिल्या होते, तीच ताराराणी होते आणि तीच जिजाऊ होते। आपको बता दें कि रविवार को एनसीपी नेता अजीत पवार ने 17 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थामा था और राजभवन में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। वहीं एनसीपी नेता छगन भुजबल, दिलीप पाटिल, हसन मुशरिफ, धनंजय मुंडे और धर्मराव सहित कुल 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।